आज सुनेंगे 11 जून 1970 की अव्यक्त मुरली, विश्वपति बनने की सामग्री। आज सद्गुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों का कौन सा दिन है? समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सद्गुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है, समझा? तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे? जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है ना? तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष सामग्री लाए हैं ताज, तख्त और तिलक। इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए सेवा। जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों से ही तीनों चीज़ें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति बन नहीं सकेंगे, समझा? इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है। तीनों में से एक भी छूटे नहीं तब सूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेंगी। तीनों की प्रतिज्ञा करनी है। सभी से सबसे बड़े ते बड़ा त्याग। सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना है, मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होंगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर वही बोल होगा, समझा? तब विश्वपति बन सकेंगी। अभी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखो, विशेष कन्याओं के लिए। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना और अपने को सिंपल समझना। जैसे आप सिंपल बन दिखाएंगी वैसे अनेक आत्माएं भी यशोदा करने के लिए पात्र बनेंगी। इसलिए ये दो बातें सदैव याद रखो। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है, जो अच्छा सैंपल निकलता है उन पर छाप लगाई जाती है। तो वो छाप है शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारियाँ। इसीलिए याद रखो, मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। संस्कारों में, सेवा में, संबंधों में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं।
हटना कमजोरों को काम है। शिव शक्ति या अपने को मिटाती है न कि हटाती, तो यह बातें याद रखनी है। अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं, अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो, इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर मधुबन में संपूर्ण समर्पण समारोह मनाने आना है, यह लक्ष्य रखना है। आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई, फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे, सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने को सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, फिर स्वाहा होना सहज होगा। जो भी शक्ति की कमी हो वह आज के दिन भर कर जाना, कोई भी कमी को साथ लेकर ना जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुक तू करने जाते हो, सर्व शक्तियाँ अपने में भर कर जाएंगे तब चुक तू कर सकेंगे ना। तो अब फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल में कर दिखाएंगे तब निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति।